देवभूमि में पुलिस प्रशासन लगातार बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते बागेश्वर पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल बागेश्वर तहसील के पटवारी क्षेत्र गुना कोर्ट में एक युवक की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस जांच में मृतक बृजेश सिंह की पहचान ऐठानी के कपकोट निवासी के रूप में हुई थी, जिसको लेकर मृतक के भाई ने कपकोट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस जांच में पता चला कि मृतक बृजेश सिंह का प्रेम प्रसंग सातर तबे गुनाकोट निवासी एक विवाहिता से चल रहा था, जिसके बाद गुस्साए महिला के पति ने एक दिन बृजेश सिंह को शराब पिलाई। इसके बाद बृजेश की नशे की हालत का फायदा उठाकर उसको पीट पीट कर मार डाला। वहीं पुलिस के अनुसार मृतक के मोबाइल चैटिंग से मिलने के बाद दंपत्ति से कड़ी पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी की पत्नी ने सच उगल दिया और आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। 20 तारीख में एक अज्ञात लाश मिली थी गुनाकोट पटवार क्षेत्र बैराली के अंतर्गत। तो क्या कहते हैं, हमें सूचना मिली 5:30 बजे ग्राम प्रधान जी के द्वारा, तो हम लोग सभी मौके पर गए तो वहाँ रियात हो चुकी थी और हमने जब चेकिंग किया तो उसके जेब से आधार कार्ड मिला। उस आधार कार्ड पर जो है क्या कहते हैं उसका नाम ब्रजेश नाम का व्यक्ति मिला। उसे परिजनों को हमने सूचित किया रात को, वो लोग आई कपकोट ऐठान से, तो हमने किसी को जो है पंचायत में कार्रवाई की और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया जिला अस्पताल बागेश्वर में। वो 22 तारीख के जो है मृतक के भाई श्री राहुल सिंह ऐठानी के द्वारा जो है एक रिपोर्ट दी गई, रिपोर्ट दर्ज की, बयान दिए गए, प्रशासनिक साक्ष्य जुटाए गए। उस साक्ष्य के आधार पर जो है ग्राम रत्वी का पंकज सिंह बिष्ट जो है निकला और उसको गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। ये जो मामला है प्रेम प्रसंग जो है से चलते ही उसकी पत्नी से मोबाइल में बात हुई, चैटिंग से ही जो है अभी तक जो है लग रहा है। आज जो है धारा 302 के तहत IPC के तहत जो है पंकज सिंह को जो है न्यायालय हिरासत में भेजा जा रहा है। मामले से पर्दा उठने के बाद आरोपी पति को जिला न्यायालय में पेशी के बाद IPC की धारा 302 के तहत पुलिस रिमांड के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पंजाब के CTV के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।